नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। राजस्थान में 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद टॉपर निधि जैन की हर तरफ चर्चा हो रही है। कोई टॉपर जो कि एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा संपन्न परिवार से नहीं है, एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, उसका टॉप करना वाकई में अपने आप में सभी लोगों को एक गर्व की अनुभूति करवा रहा है। पूरा परिवार निधि की सफलता पर नाज कर रहा है और निधि के परिवार में जो उनके परिजन हैं, उनके खासतौर पर उनके पिता, निधि की माँ की कोरोना काल में मौत हो गई थी, लेकिन उनके पिता ने बताया कि बच्ची कितनी मेहनत किया करती थी। एनआई से बातचीत में उनके पिता ने बताया कि कई बार निधि देर रात तक पढ़ाई करती रहती थी। मैं उसको कहता था कि बेटा अब सो जाओ, लेकिन वो उसके बाद भी पढ़ती रहती थी और उसके बाद अगले दिन सुबह उठकर भी वो 5 बजे उठ जाती थी और फिर पढ़ाई शुरू कर देती थी। तो इस तरह की कड़ी मेहनत निधि ने की है और तब जाकर उसको ये मुकाम हासिल हुआ है। निधि के पिता ने क्या कुछ और बताया, उनके चाचा ने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। बच्ची ये स्कूल से आने के बाद रात में 11 से 12 बजे तक पढ़ती थी, सेल्फ स्टडी करती थी, प्लाई बोर्ड पे एक सिंपल प्लाई बोर्ड पे चौक से लिखती रहती थी। मैं उससे बोलता रहता था बेटा सो जा, टाइम हो गया, लेकिन ये फिर भी पढ़ती रहती थी। सवेरे वापस 5 बजे 6 बजे उठ के शुरू हो जाती थी पढ़ाई करना। खाली नहीं बेटी, मतलब ये जैसे गर्मी की छुट्टियाँ लगी थी ना 9 के बाद, तो इसने 1 तारीख से छुट्टियाँ लगी तो 7 मई से पढ़ाई स्टार्ट कर दी। 6 दिन बस, उसके बाद कहीं घूमना नहीं, पूरे साल घूमने नहीं गई कहीं भी, पढ़ाई लिखाई में पूरा ध्यान दिया और बच्चे को भी संभाला, छोटा भाई इसके तो इसके पास रहता है। ये शुरू से ही बहुत अच्छी रही है, पढ़ने में एक्सलेंट रही है और जब परीक्षा देकर आई है तो इसने बता दिया था कि 98+ जाएंगे हमारे नंबर, और ये शुरू से ही जीनियस रही है। कक्षा 8 में भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इसके लिए लैपटॉप के ये टेबलेट के लिए इसका चयनित भी हुआ है। और पढ़ने में सदा तैयार रहती थी और कोई किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो अपने टीचर्स से बात करती थी, इसके डाउट क्लियर करने के लिए ये अध्यापक जी के पास आती थी। और विद्यालय समय के बाद भी हम इनके लिए 2-5 मिनट ये जब तक पढ़ाई पूरी निकल ले, चैप्टर पूरा निकल ले, जब तक ये वहाँ बैठे रहते थे। और जैसा शुरू से हम आपको बता रहे हैं कि एक सरकारी स्कूल से पढ़ाई करके इस मुकाम को हासिल करना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन निधि ने ऐसा कर दिखाया और इसी वजह से उनकी ज्यादा चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर। निधि ने कितनी मेहनत खुद की और किस तरह से पढ़ाई की, सरकारी स्कूल में किस तरह की पढ़ाई होती है, क्या वाकई जो बच्चे उनसे प्रेरणा लेना चाहते हैं उनको ये बात सुननी चाहिए जो निधि ने बताई है। मैं स्कूल से जब आती थी उसके बाद खाना खा के पढ़ने बैठती थी, 11-11:30 बजे तक पढ़ती थी। अब क्या सपना है बनने का? मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। किस तरीके से सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है? बढ़िया, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है सरकारी स्कूल में। किस तरीके से व्यवस्था है सरकारी स्कूल में? बढ़िया पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सब टीचर। निधि पर पूरे प्रदेश को, देश को गर्व है। इस बेटी ने जो मुकाम हासिल किया है अपनी माँ को खोने के बाद, उसने ये जो बड़ा मुकाम हासिल किया है ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। हम निधि को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। उनका सपना है आगे चल के इंजीनियर बनने का, वो उसे भी जरूर पूरा करें। लाइव हिंदुस्तान की तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं।